क्या बोलगा? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ लंच और खाना बना रही हूँ, रोटियाँ बना रही हूँ। एक्चुअली आज हॉस्पिटल में हैं सब लोग और आज मेरे ससुर जी की आँख में लेंस पड़ा है, अभी सासुबा की आँख में पड़ा था। आज कोई ब्लॉग नहीं शूट हुआ मेरा सुबह से, दीदी आई हुई है, देखो दीदी जा भी रही है। मैं कह रही हूँ रुक जाओ, रुक नहीं रही है ना, इतने दिन बाद आई फिर भी नहीं रुक रही। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर। मंदिर जाएंगे क्या? मंदिर 5:30 वाला टाइम है, सब ठीक है। बहुत ज्यादा लेट तो फिर बहुत ज्यादा हो जा। सो फ्रेंड्स, अभी आए हैं हम डोगरी माता के मंदिर। कैंट में है ये मंदिर, तो मंदिर में ज्यादा वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन छोटू सा दर्शन कर लीजिए। जय माता दी। और आते ही लग गई मैं खाना बनाने, क्योंकि मम्मी और पापा जी को खाना देना था। तो मैंने यहाँ पे पतली सी लौकी बनाई है और रोटियाँ बनाई है। और आते ही देखो इतने सारे ढेर सारे बर्तन किए, क्योंकि आज मेरी बर्तन वाली भी नहीं आई थी। तो फिर उसके बाद में मैं सबको खाना खिला रही थी यहाँ पे। और आज दिन में बिल्कुल ही नहीं टाइम मिला यार वीडियो शूट करने का, क्योंकि आप समझ सकते हो हॉस्पिटल में जब कोई होता है ना तो फिर थोड़ा सा होता है। तो बस, और उसके बाद मैंने सबको खाना खिलाया। अभी मैं फिर से किचन में आई हूँ, किचन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फास्ट है नवरात्र का। तो अभी मैं अपना फास्ट का खाना बनाऊँगी, कुछ मतलब माता रानी की भोग की थाली बनाऊँगी। उससे पहले मैं गैस को पूरी तरह क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अन्न की गैस पे नहीं बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे अच्छे से पहले गैस को क्लीन करूँगी, फिर अपनी भोजन थाल बनाऊँगी, जो भी माता रानी को भोग लगाऊँगी। और आज ज़्यादा कुछ तैयारी भी नहीं की थी, थोड़े आलू बॉयल हुए रखे थे, खीरा पड़ा था, थोड़ा सिंघाड़े काटा था। तो मैंने सोचा इन सबसे मिला के क्या थाली बनाऊँ, तो जल्दी जल्दी मैंने थाली बनाई, लेकिन अच्छी थाली बन गई थी। आलू के साथ में मैंने यहाँ पर सिंघाड़े का आटा लगाया, उसकी थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाई। तो आज की ये थाली है, हरी चटनी है इसमें, रायता है खीरे का, आलू की सब्ज़ी है, सिंघाड़े की पूड़ियाँ हैं और दो लड्डू हैं। और बहुत अच्छी स्वाद थाली बनी थी। व्रत के खाने में कुछ अलग ही बात होती है। हाँ, वो बात अलग है कि मैं थक गई थी, और जाने से पहले मैंने बच्चों को ट्यूशन दिया था, और आते ही फिर किचन में लगना। तो बस यहाँ पर मैं अपना खाना खा रही हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चल रहे हैं, ब्लॉग नहीं बिल्कुल बन पा रहा है, ये दोनों फ़ोन लिए बैठे रहते हैं 24 घंटे। 24 घंटे तो नहीं, लेकिन जब मेरा टाइम होता है तब। और गेम खेलते हैं आजकल ये दोनों ऑनलाइन। और मैं हूँ किचन में, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट कुक कर रही हूँ। यहाँ मैंने बनाया है जवे, और इधर मैंने रखी है चाय। तो बस अभी मैंने सबके लिए बनाया है नाश्ता, मॉर्निंग का टाइम है। तो मैंने सोचा जवे बनाती हूँ, क्योंकि जवे बनाने में ये ईजी रहेगा, कि क्योंकि यहाँ यार मेरे को पूजा भी करनी है बाद में, जवे थोड़ा जल्दी बन जाते हैं। तो एक तरफ मैंने चाय रख दी और एक तरफ जवे रख दिए। तो सबको जवे खिलाऊंगी नाश्ते में आज, और दोपहर में बना लूँगी कुछ लंच में, अच्छा है ना। और क्योंकि नवरात्रि की पूजा में थोड़ा सा टाइम लगता है, और मन से पूजा करनी चाहिए, पूजा के ही दिन होते हैं, पूजा पाठ के, है ना। खाना पीना तो रोज़ बनाते ही रहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं किचन को अपनी क्लीन कर रही हूँ, घर की पूरी डस्टिंग हो चुकी है, और नहाने के बाद मंदिर वंदिर भी क्लीन करूँगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सबको नाश्ता करा दूँगी, और उसके बाद में मैं अम्मा जी के पास बैठ कर नाश्ता करो, जल्दी आ जाओ प्यारा बेटा, जल्दी बैठ जाओ इधर। अभी मैं जा रही हूँ सक्षम का रिजल्ट देखने, देखने के रिजल्ट देने। हाँ सक्षम, और सक्षम नहीं जा रहा, और सक्षम के ना तो कपड़े चेंज करे, ना इसको नहलाया, टाइम नहीं मिला यार बिल्कुल भी, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा आके। हाँ हाँ, वो एक बड़ा सा रूम सा था, उसमें सारी क्लासेस के लगा रखे थे इन्होंने, इसलिए बस। स्कूल में बहुत भीड़ लग रही है पेरेंट्स की रिजल्ट लेने के लिए और बुक्स लेने के लिए, आज बच्चों को बुक्स मिल रही है। और अभी मैं बैठी हूँ सक्षम की क्लास में, और अभी सक्षम का रिजल्ट आने वाला है। तो मुझे लग रहा है पता नहीं कितने मार्क्स लाया होगा मेरा बेटा। यहाँ पे मेरे हाथ में है स्लिप, उसकी कुछ फीस ड्यू थी तो वो क्लियर कराई है, और आज उसकी बुक्स भी ले लेती हूँ, जिससे नेक्स्ट पढ़ाई शुरू हो जाएगी, है ना। सुंदर लगे है ना, जब हम छोटे थे हम तो ऐसी क्लास में नहीं पढ़े, सुंदर सुंदर क्लास लग रही है। बच्चों ने कुछ बना रखा है, छोटे बच्चों की क्लास। नई बुक्स आ गई हैं सक्षम, आर यू हैप्पी? मम्मी से टूट नहीं रहा। नहीं तोड़ो नहीं, इन पे कवर चढ़ाएंगे बाद में। इससे कवर चढ़ाएंगे, ये वाइट वाइट कैसी है? इस साल का इसका फीस वाला दिखाना, क्या इसकी फीस सक्षम की को मिला? इसी में रखा होगा शायद, है? इसी पॉलिथीन में रखा था फीस स्ट्रक्चर। सो आज बच्चों का रिजल्ट है, और अभी मैं स्कूल से आ रही हूँ, और अभी आने के बाद बस
बुक्स बच्चों की खोलते देख रही थी। कैसा अटक गया? नमस्ते मैम। मैम किधर से आ रहे हैं? आपको शूट करने के मैम? आज बहुत दिन बाद दिखे। कैसे चल रहा आपका? बढ़िया मैम। कैसा चल रहा है? अच्छा। क्या बोलूंगा? चलते रहे सकते हैं। कपड़े भी चेंज नहीं हुए मेरे, कपड़े चेंज करूंगी। अच्छा बोलो, तुम दिखा दी उठते सर्जन ले गए मम्मी पापा को डॉक्टर के पास, क्योंकि उनकी आंख का होना है चेकअप, है ना। आंख करने के बाद में जो चेकअप होता है। और सर्जन के कपड़े वपड़े चेंज करूं। सर्जन को नहलाया भी नहीं है। सर्जन नहला दूँ अब? टाइम क्या हो रहा है? 12:30 बज गए। चल कपड़े चेंज कर देती हूँ आज ऐसे, है ना। तो भागम भागम यार, इस पर नहाना धोना भी नहीं हुआ आज। सक्षम का क्या करती है ना, सुबह सुबह मुझे फिर इतना कुछ करना था, स्कूल भी जाना था, पीटीएम का टाइम भी फिर लेट हो जाता है, तो बस इसीलिए। और जो बच्चों के रिजल्ट का टाइम होता है ना, पेरेंट्स के लिए भी बिल्कुल रिजल्ट का टाइम ही समझो, है ना। पूरे साल का रिजल्ट, मेरे मार्क्स तो 90 आए। 19 आए सक्षम के, ठीक है। लेकिन हम इस बार 90 लाएंगे। मम्मा आए हैं कंप्यूटर में। हेलो, कंप्यूटर में आए हैं। एक तो मतलब ज्यादा खराब मार्क्स भी नहीं है, ज्यादा अच्छे भी नहीं है सक्षम के, बिल्कुल। किसी में 84 आए हैं। हाँ मतलब, और 69 आए, किसी में 54 आए। हाँ तो जिनमें कम है उनमें मेहनत करेंगे हम। और मैंने सक्षम को लास्ट सेशन से खुद पढ़ाना शुरू किया था, उससे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। लेकिन अब हम शुरू से ही पढ़ाई पर ध्यान देंगे। लेकिन क्या करें यार, लाइफ में इतना कुछ चल रहा था कि, है ना, आप भी समझ सकते हो। उसमें इंसान बस खड़ा रहे वही बहुत बड़ी बात है। और अब मैं बस यही चाहूंगी कि मेरे बच्चे आगे अच्छे से प्रोग्रेस करें। 2 दिन बाद श्रीजा का रिजल्ट आएगा, तो उसकी भी चिंता, श्रीजा की चिंता ज्यादा है। सक्षम छोटी क्लास में, तो सक्षम की इतनी टेंशन फिर भी मतलब है तो, लेकिन श्रीजा की ज्यादा रहती है, बड़ी क्लास में है वो। और यहाँ पर ट्यूशन के बच्चे आ गए हैं, घर में आपको बहुत शोर शराबा आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स, रात के टाइम पे खाना खाने के बाद में मैं सक्षम की बुक्स पे चढ़ा रही हूँ कवर, क्योंकि पूरे 2-3 दिन तो ऐसे ही भागम भाग में गए, पता ही नहीं चला किसी भी काम का। ब्लॉग भी शूट नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत कुछ रहा हॉस्पिटल का, रिजल्ट का, मम्मी पापा यहाँ थे, है ना, बच्चों के स्कूल का, तो बस ब्लॉग नहीं शूट हो पाया। तो मैं सोची हूँ रात में इसकी बुक्स पे कवर लगा देती हूँ, जिससे कि आधा काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, हम बैठ रहे हैं पूजा में, हाथ में बजा रही हूँ प्रसाद का। नहा के जल्दी आ जाओ पूजा में बैठने के लिए, जल्दी नहा के आओ, पूजा में बैठना है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि नवरात्रि में पूजा में सब लोग बैठ जाएं, अगर घर पे हैं तो, है ना। तो अभी तो ऐसा टाइम है कि बच्चों के स्कूल भी नहीं चल रहे, बच्चे बैठ सकते हैं आराम से। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने पूजा करी है और देखो सक्षम के हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई। सक्षम के हाथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे ना सक्षम के अंगूठे में पास आ गया था ना, सक्षम येल्लो हो गया था बिल्कुल, पता नहीं इसने कम दर्द में बताया नहीं, जब इतना सारा हो गया देखो कैसा हो गया। जब इससे बताया अभी ना पापा ने इसको क्लीन किया अच्छे से, और ये डिटॉल से, और इसमें दवाई लगा रहे, पट्टी करवा लो, मक्खी नहीं बैठेगी कोई। जल्दी क्या हो गया बच्चों सही बेटा? कल ना सक्षम ने बहुत बहादुरी का काम किया कि मतलब रोया नहीं बिल्कुल भी मेरा बेटा। चलो करवा लो यार, इतना जो अंगूठा है ना यहाँ पूरा येलो पस पड़ गया था इसमें, उसको स्वेलिंग इतना देख के इतना डर लग रहा था बहुत ज्यादा। तो डॉगी को क्या हो गया गली में? तो ये बार आदमी कर दिए क्या? अब क्या डॉगी की शादी हो रही है? साइड करो अंगूठा, साइड करना बेटे, पट्टी तो बनने दे मुझे। कर रहा भाई चुपचाप खड़ा, श्रीजा होती ना इसके बदले क्या करती? क्या है, कुछ भी नहीं करती, चुपचाप खड़ी रहती और क्या करती? रोती लगा रखा है, रोती रोती और क्या, रोती नहीं आप बताओ, सच्ची बताओ, रोती सच्चा बता, रोती रोती ये तो अभी रो रही है देखो। क्या
लगा रखा है। ये करती वो करती करती रोती फड़ती। फ्रेंड तीन दिन से ना मेरी वीडियो मैं किस्तों में बिल्कुल एडिट कर रही हूँ, कभी थोड़ी सी एडिट कर देती हूँ, कभी फिर वो रह जाती है, शूट भी नहीं हो पाया ब्लॉग सही से। तो आपके पास कल का ब्लॉग नहीं गया था तो वो इसी में एडिट है। कल से परसों तक की सारी वीडियोस है ना, आप लोग देखना, प्यार से सपोर्ट करना, क्योंकि यार ऐसे ही होता है जब मैं फिर ब्लॉग शूट करती हूँ एडिट करती हूँ, फिर बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो जाता है और फिर घर के काम का टाइम हो जाता है। और नवरात्रि में तो आप लोगों को पता ही घर में कितना कुछ रहता है करने के लिए, व्रत का खाना भी बनता है, सिंपल खाना भी बनता है, फिर मम्मी पापा की आँख वगैरह भी बनी थी, अभी वो चले गए हैं घर पे गाँव पे है ना। तो वैसे कल हम लोगों का जाने का भी था लेकिन कैंसिल हो गया, पहले प्लानिंग हो रही थी कुछ, क्योंकि आज संडे था लेकिन हो नहीं पाया, चलो कोई नहीं। वो तो और अभी बच्चे इधर बैठे देख रहे हैं टीवी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलते हैं। मेरा हील पेन ना फिर से वापस आ गया, मेरे साथ में ना बहुत ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, अगर थोड़ी सी भी भाग दौड़, थोड़ी नहीं कहेंगे इसको, बहुत ज्यादा कहेंगे। पिछले 3-4 दिन से मैं बहुत ज्यादा ही बिजी थी, बिल्कुल थक चुकी थी, तो जैसे ही थोड़ी भाग दौड़ या थोड़ा सा भी काम का प्रेशर ज्यादा आता है तो मेरी हालत खराब हो जाती है। इन शॉर्ट मैं कहूँ तो शायद मेरी बॉडी में इतनी जान नहीं बची कि मैं बहुत सारी चीजों को इस तरह से भाग भाग करके मैनेज करूँ। कल सुबह क्योंकि मेरे नवरात्रों के पूरे फास्ट भी रखे हैं और कई साल बाद ये फास्ट रखे हैं तो उससे भी देखो बॉडी पे इफेक्ट तो पड़ता ही है ना। ऑपरेशन के बाद वैसे मैंने सोचा नहीं था कभी मैं पूरे फास्ट कर पाऊंगी, लेकिन इस बार मेरी इच्छा हुई तो मैंने की है। वैसे फास्ट करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और फिर कल सुबह जल्दी जल्दी मैंने पूजा की, सबको पहले ब्रेकफास्ट कराया, फिर मैं स्कूल गई और फिर आके फिर जैसे ही मैं स्कूल से वापस आई बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो गया, ट्यूशन वाले बच्चे आ गए और उनको जैसे ही मैंने ट्यूशन पढ़ा के भेजा, फिर लंच का टाइम हो गया तो फिर सबके लिए लंच बनाया। और इसमें अपने लिए कुछ भी नहीं बना कर पाई तो फिर वो मैंने शाम को ही कुछ खाया, दोपहर में भी कुछ नहीं खाया, तो उससे थोड़ी सी हालत तो खराब होती है। तो मेरी तबीयत कल अच्छी सी नहीं थी, पैर में मेरे फिर से हील पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। सक्षम थोड़ी आवाज कम करो टीवी की, तो थोड़ा एक दो दिन थोड़ा सा रेस्ट करूंगी क्योंकि भैया बॉडी है इसको भी रिलैक्स देना जरूरी है, तभी चलेगी है। दो बच्चे भी पालने हैं, हस्बैंड की भी केयर करनी है, अपनी भी देखना है, अपनी तो खैर जो भी होती है होती है, दूसरों की तो करनी है, फैमिली मेंबर्स की। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दें। और बाल अभी वॉश किए थे मैंने, अच्छे लग रहे हैं वॉश करके। और यार मैं सोचती हूँ बालों की कुछ ऐसे कटिंग वटिंग कराऊं कि मतलब थोड़ा सा कहीं जा रहे हो तो इनको ओपन कर लो आराम से, मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल पाता कि कुछ सोचूं। तो देखती हूँ नवरात्र के बाद में कुछ आइडियाज आते रहते हैं दिमाग में, लेकिन फिर पता चलता है किसी और काम में लग जाती हूँ। और इस बार नवरात्र में मैं क्या कर रही हूँ, अपनी जितनी भी कुर्तियां हैं ना तो उनको निकाल निकाल के पहनती रहती हूँ। वैसे वो मैं हर एक बार करती हूँ। जैसे घर में तो बिल्कुल प्लेन और सिंपल कुर्ते पहनती हूँ या टी शर्ट पहनती हूँ मैं, लेकिन जो थोड़ी सी वैसी बाहर आने जाने की मेरी जो कुर्तीज होती है ना, पूरा कुर्ती सेट जो होता है, ये वाला ब्लू वाला मैंने पहना है आज, तो इसको मैं नवरात्रों में पहन के एक एक दिन पहन के रख देती हूँ। इससे ये फायदा होता है कि बहुत दिनों से रखे होते हैं, वॉश भी हो जाते हैं, फिर प्रेस करके फिर जम जाते हैं। और इस तरह से आप अलग अलग कपड़े भी पहन लेते हो, आपको अच्छा भी लगता है, थोड़ा त्यौहार सा कुछ अच्छा सा फील होता है ना। और फिर बहुत ज्यादा वैसे काम में भी आप इनको ऐसे नहीं पहन सकते, तो नवरात्रों में थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आती है इसलिए पहन लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब कल के ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और आज मेरा फेस बहुत डाउन लग रहा है क्योंकि वाकई में यार थकान हो गई, 3-4 दिन मुझे बहुत ज्यादा, और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल।